हेलो दोस्तों, वी आर डिस्कस इन दिस सेशन सिस्टम ऑफ नंबर्स। सिस्टम ऑफ नंबर्स क्लास 9 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैथमेटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसका जो सिस्टम है वो एक एक नंबर्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रियल इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक लिया जाता है और इसकी सेंट्रल वैल्यू जीरो है। इधर जीरो से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स चल रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं -3। ठीक है, लोएस्ट सेंट्रल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। संख्या रेखा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं रियल नंबर्स की। वे सारे नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। माने वो सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ जीरो से राइट हैंड साइड जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, विजुअल हैं, 1, 2, 3, 4, 0, माने जीरो से राइट हैंड साइड वो लेते हैं हम। चलो पहले जीरो से राइट हैंड साइड, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको बोलते हैं इंटीजर्स। माने हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में हमने देखा आपके चल रहे हैं इधर डॉट डॉट -3, -2, -1, ये सारे, इन सारे नंबर्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब आता है इधर जीरो। और अच्छा लिख दें ZERO, जीरो। इधर जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो हैं आपके 1, 2, 3 डॉट 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 एंड सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स माने ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ओके, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद जितने नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे उनमें क्या चाहिए, जीरो। तो अब जीरो निकला, जीरो निकला माने अगर हम इन पॉजिटिव इंटीजर्स मींस नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर लूं, 0, 1, 2, 3, तो इसको बोलेंगे अपन होल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है,
होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर अब बन गए ये पूर्ण संख्याएं, जीरो इसमें शामिल हो जाती है नेचुरल में, तो आपकी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण, और इसलिए इसको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको होल नंबर। तो होल नंबर 0, 1, 2, 3 हो गए। अब आता है नेचुरल नंबर का डिवीजन। नेचुरल नंबर को अपन देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम, नॉर कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर हिंदी में प्राइम को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्याएं, नाइदर प्राइम माने ना तो भाज्य हो ना वो अभाज्य हो, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जिसके एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स हों, मतलब जिसके ठीक केवल दो ही भाजक हों। दो ही भाजक माने जैसे टू, तो टू के भाजक हैं 1 और 2। ओके, 3 एक प्राइम नंबर है, इसके भाजक हैं माने इसके डिवाइजर्स हैं 1 और 3। तो जिसके एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और जिनके मिनिमम 3 डिवाइजर्स हों उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 लिया तो 4 के डिवाइजर्स हैं 1, 2 और 4, ठीक है। तो जिसके एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, इधर मिनिमम 3 डिवाइजर्स, ठीक है। तो एक बार फिर क्लियर कर लो, प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, कंपोजिट नंबर्स एटलीस्ट या मिनिमम 3 डिवाइजर्स। तो जैसे 6 लो लो, तो 6 के कौन कौन से डिवाइजर्स होंगे, 1, 3, 2 और 6, ठीक है। तो जिसके कम से कम 3 डिवाइजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। लेकिन एक माने 1 एक ऐसा नंबर है जिसका ना तो एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स में आता है ना वो मिनिमम 3 डिवाइजर्स में आता है, अकेला ही है, इसलिए इस ना 1 को हम बोलते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपन का पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर जीरो, 1 या 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में ऐसे काफी नंबर्स होंगे जिन्हें हम काउंट कर ही नहीं सकते, जैसे 1.1, 1.01 काफी होंगे, √2 भी होगा, 1.414। माने 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स भी होंगे, रैशनल माने परिमेय संख्याएं भी होंगी, अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। तो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो हम देखते हैं रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर्स। हिंदी में इसको बोलेंगे परिमेय संख्याएं
और अपरिमेय संख्याएं। ओके, ये भी पार्ट बना है किसका, फ्रैक्शन या डेसिमल, डेसिमल नंबर्स। ओके, तो फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि रैशनल नंबर्स माने अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इरेशनल नंबर्स माने अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं। अब देखते हैं कि ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट नंबर होते क्या हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने वन में थ्री का डिवाइड, या पहले चलो ये सिंपल ले लो, वन अपॉन टू 0.5। तो 0.5 के बाद तो कोई डिजिट नहीं आएगा, मतलब जीरो तो लगाने का कोई सेंस रहता नहीं है। तो 0.5 माने ये यहीं की यहीं शांत हो गया, खत्म हो गया। तो जो फिनिश हो जाए उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, टर्मिनेट नंबर्स क्लियर हो गया। 3/2 है, इसमें भी 3 में 2 का डिवाइड देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो पॉइंट डेसिमल की फॉर्म में जब हमने रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके आगे उसका डिवाइड फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो सारे नंबर्स आ जाते हैं आपके टर्मिनेट नंबर्स में। ओके, तो ये आ गए आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, अब आता है एक एग्जांपल और लेते हैं, वन अपॉन थ्री। ओके, वन अपॉन थ्री, अगर मैं वन में थ्री का डिवाइड दूंगा तो ये आता जाएगा 0.3333, इनफाइनाइट्स वो टाइम्स आता जाएगा, थ्री खत्म नहीं होगा। तो जो पॉइंट के बाद खत्म ही ना हो उसको बोलते हैं हम अशांत संख्याएं, माने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में डिजिट भी रिपीट हो सकता है, टर्म भी रिपीट हो सकती है। जैसे हमने एक एग्जांपल और लेते हैं, 2/11, ठीक है। तो 2 में 11 का भाग लगाऊंगा, तो पॉइंट लगा दो 11 × 11, ठीक है, तो ये बचे 9, ठीक है। तो फिर 0 बढ़ा दो, 11/8 = 88 बचे 2। तो आप लोग देख रहे हो कि जहां मैंने 20 से स्टार्ट किया 20 यहां पर बन गया, पॉइंट लगाइए, एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन फिर रिपीट होती चली जाएगी। तो ऐसे नंबर्स, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, 0.18 18 18, माने इसका आंसर हमारा निकला 0.18 बार। ओके, तो ऐसे नंबर्स जिसमें डिजिट रिपीट होता हो या पूरी टर्म रिपीट होती हो तो वो वाले नंबर्स बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो जो नंबर्स टर्मिनेट हों चाहे नॉन टर्मिनेट हों, उन सारे नंबर्स के सेट को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो ऐसे नंबर, अब जैसे 1 और 2 के बीच में
रूट टू भी आएगा, रूट टू की वैल्यू 1.414 है, मगर रूट टू हुआ, रूट थ्री हुआ, रूट फाइव हुआ, ये एक ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो एक डेफिनेशन और बता दूं रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर्स में हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म बोलते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो क्लियर सी बात है भाई, क्योंकि किसी भी अगर इंटीजर्स में मैं जीरो का डिवाइड दूंगा तो वो क्या देगा, इन्फाइनाइट, माने जीरो में जीरो का नहीं, जीरो मतलब किसी भी नंबर में जीरो को छोड़कर अगर मैं उसमें जीरो का डिवाइड दूंगा तो वो देगा आंसर इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट वैल्यू, माने वो किसी किसी भी सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता, हो जिसका पता ही नहीं है कि वो वैल्यू है कितनी। तो वो सारे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हों, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हों लेकिन हों डेसिमल, उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। जैसे रूट टू हुआ, रूट थ्री हुआ, ना तो ये टर्मिनेट नंबर है ना ये नॉन टर्मिनेट नंबर्स है, माने हम इरेशनल नंबर्स को ऐसे भी बोल सकते हैं ना तो वे नंबर टर्मिनेट, ना मतलब द कलेक्शन ऑफ टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन मतलब कुल मिला के जो नंबर्स टर्मिनेट भी नहीं हो, नॉन टर्मिनेट भी नंबर नहीं हो, वो सारे नंबर्स आ जाएंगे इरेशनल नंबर्स में। और रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन, इन सब का सुपरसेट होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स इज द सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइंस। क्लियर, रियल नंबर सारे सेट्स का सुपर सेट होता है। तो मैंने ये डिस्कस किया था धीरे धीरे, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद आए अपने इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल, इरेशनल, और इन सारे सेट का सुपर सेट बना हमारा रियल नंबर्स। थैंक यू, समझ में आ गया होगा। ओके।